रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले कि अपर सीपीयू है, सीपीयू के अंदर क्या हम डालते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या फिर इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। और इन सब चीज़ों को यूज कौन कर रहा होता है, एक यूजर जो इन सब चीज़ों को यूज कर रहा होता है। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये क्या काम करती है, जैसे आपका सीपीयू है और रैम है, फिर रैम को जो प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है थोड़ी सी, अगर कैशे मेमोरी होती है थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जितनी ज़्यादा कैशे होगी उतनी अच्छी जो आपकी स्पीड मिल जाती है। कैशे क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। एक कहाँ पे होती है और कैसे स्टोर करती है, रैम होती है, रैम सबसे पहले मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के अंदर रैम होती है, रैम के अंदर कैशे होती है, और उसी के अंदर जो कैशे मेमोरी के अंदर टेम्परेरी डाटा सारा जो है स्टोर होता है। व्हाट इज पोर्ट, पोर्ट इज द एक्सटर्नल कनेक्टिविटी बिटवीन द कंप्यूटर। पोर्ट इज ए स्पेसिफाइड प्लेस ऑन कंप्यूटर हैविंग अ एक्सॉस्ट एसोसिएट सर्किट दैट लिंक्स एक्सटर्नल डिवाइस टू अ कंप्यूटर। अगर आपको कोई भी बाहर का डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको डाटा केबल कनेक्ट करनी है, जो आप जिस यूएसबी केबल को यूज़ करके लगाते हैं सिस्टम के अंदर, यूएसबी पोर्ट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। पोर्ट किसी भी बाहर के डिवाइस को, अगर एक्सटर्नल डिवाइस को अगर हमें अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे, पोर्ट के जरिए हम उसको कनेक्ट करते हैं। अब टाइप ऑफ पोर्ट की हम बात करते हैं, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के अंदर 9 पिन मेल होती है और 9 पिन 25 पिन फीमेल होती है। पैरेलल पोर्ट के अंदर स्कैनर, जिप ड्राइव और 25 पिन इसके अंदर फीमेल होती है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है, इसके अंदर 8 पिन जो है मेल पोर्ट का आता है और 25 पिन जो है फीमेल पोर्ट का आता है। AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट और IR इंफ्रारेड पोर्ट और ब्लूटूथ नेटवर्क पोर्ट, फोन पोर्ट, ये सारे पोर्ट के जरिए आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी इनके मतलब नाम है उसी के हिसाब से अगर कोई आप डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप एक कंप्यूटर को आप बंद कैसे करते हैं और रिस्टार्ट कैसे करते हैं। शटडाउन करने के लिए एक आसान सा तरीका, आप स्टार्ट पे जाएं, टर्न ऑफ कंप्यूटर पे जाएं, उसके बाद आप टर्न ऑफ कर दें। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो विंडो दबाएं, विंडो की बटन दबाएं, फिर उसके बाद यू दबाएं और फिर उसके बाद अगेन यू दबा दें। ये जो आपका विंडो है XP और XP तक ही वर्क करता था, अधिकतर जो है बाकी 10 8 में वर्क नहीं करता है। उसके बाद जो Alt+F4 है, Alt+F4 दबाते हैं, अगर आप उसके बाद यू दबा दें, एंटर प्रेस कर दें, तो आपका सिस्टम जो है शटडाउन हो जाता है। और रीस्टार्ट हम सिस्टम को तब करते हैं जैसे हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है, प्रोसेसिंग सही से नहीं कर रहा, इसलिए हम रीस्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, रीस्टार्ट करने का मतलब ये होता है। और शटडाउन में क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है शटडाउन ही रहता है, मतलब जब तक हम चालू नहीं करेंगे तब तक वो चालू नहीं होता है। एक सिस्टम को मतलब स्टार्ट मतलब रीस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे जाएं, टर्न ऑफ कंप्यूटर पे जाएं, फिर उसके बाद रीस्टार्ट पे क्लिक कर दें, विंडो दबाएं, फिर यू दबाएं, फिर उसके बाद आर दबा दें और Alt+F4 दबाएं, उसके बाद आर दबा देंगे तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ लिख रखी है, वन कंप्यूटर हाउ मैनी विंडोज़ इंस्टॉल एंड वाई, मतलब एक कंप्यूटर में आप कितनी विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और क्यों इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए 26 विंडो आप एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, मतलब जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और 26 में से अगर आप 2 माइनस कर दें तो आपके बच्चे कितने, 24 बच्चे। अब 2 हमने माइनस क्यों किया, अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो कंप्यूटर की ड्राइव्स होते हैं वो सी से स्टार्ट होते हैं, ए से कोई भी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए जो आप ए और बी माइनस कर दें तो बच्चे कितने आपके 24, और आप 24 ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं फिजिकल पे।